हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी। आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैंने रिसेंटली मीशो से एक लहंगा ऑर्डर किया है, तो आज के मेरे वीडियो में इसी का रिव्यू करूंगी। लहंगा वगैरह कैसा है, क्वालिटी कैसी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, मैंने सोचा था कि मुझे स्टिच लहंगा मिलेगा, बट ये मुझे सेमी स्टिच लहंगा मिला है। सो आप देख सकते हैं इस टाइप से सेमी स्टिच लहंगा है। और ये पूरा ओपन है यहाँ से, तो इसको आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग एक सिलाई लगानी होगी, तब जाके ये फुल्ली बन जाएगा और ये मेरा काम हो जाएगा। तो ये लहंगा है। लहंगे की अगर क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी मतलब अच्छी है। फैब्रिक वगैरह फुल्ली अच्छा है। अंदर जॉर्जेट का फैब्रिक है और अंदर इसमें अस्तर लगा हुआ है, और अस्तर की क्वालिटी भी काफ़ी मतलब अच्छी है, ख़राब नहीं है। नीचे यहाँ पे बुकरम लगी हुई है, जिससे जो इसका लुक है वो और भी अच्छा आ रहा है, फुला फुला लगेगा ये। सो इसको पहनने के लिए आपको कैन स्कर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसी को पहन सकती हैं। सो गाइस, काफ़ी मतलब अच्छा है। और अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, आप लगा सकती हैं, इतना बड़ा तो है, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, अच्छा है। और इसमें और भी कलर थे, बट मुझे ब्लैक कलर ही अच्छा लगा। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके ब्लाउज की। तो ये इसका ब्लाउज है, तो आप देख सकते हैं, जो कि स्टिच करवाना पड़ेगा, अभी बिल्कुल सेमी स्टिच है, तो इसको तो मैं बनने के बाद पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक है, अंदर अस्तर लगाना पड़ेगा, अस्तर लगाने के बाद ये बहुत प्यारा लगेगा। अगर इसे आप अच्छा सा डिजाइनर सिलवाती हैं तो ये बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकती हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।